व्लॉग्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है मेरे पास आए बैठे हैं, सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि है मेरे दोस्त डॉक्टर उमर। तो ये आया तो मेरा प्लान बना है, वरना कोई प्लान नहीं बन रहा था कि वीडियो किसी किस्म की वीडियो बनाई जाए। तो बात इस तरह की, हमारे यहाँ पर जो है शोरूम ओपन हुआ हुआ है सुजुकी वालों के, अथराइज जो है सुजुकी वालों का। तो उनके पास जो है वो आल्टो आई खड़ी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ पे जाके उसका ओवरव्यू किया जाए। डेप्थ रिव्यू उसका अभी तक नहीं करेंगे हम, जस्ट उसको ओवरव्यू करेंगे। डेप्थ रिव्यू उसका उस टाइम करेंगे जब वो गाड़ी हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 डेज़ में अपने शोरूम पे गाड़ी आ जाएगी। फिर हम उसके इंशाल्लाह 0-100 भी करेंगे, टेस्ट ड्राइव भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, उसका डेप्थ रिव्यू करेंगे। तो अभी जो है हम उसका जो है इधर जाके इसका ओवरव्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि उसमें कौन कौन सी चेंजिंग आई है, मुकम्मल क्या शेप चेंज की गई है, कैसे है, तो उसके बारे में आज आपको जाके बताते हैं। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, और सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो अभी चलते हैं। ओके गाइस, तो ये मैं जी सुजुकी मोटर्स भुशा पे पहुँच आया हूँ, और हमारे पास जो दो वेरिएंट खड़े हुए हैं इस टाइम, इन दोनों का मैं आपको ओवरव्यू करके बताऊँगा। डेप्थ रिव्यू इसको फिर हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। तो इस टाइम इनके पास जो दो वेरिएंट खड़े हैं, वो एक वेरिएंट है उसमें ऑटो और एक है मैनुअल, जो दो हैं इस टाइम। सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मेहरान की जगह जो गाड़ी स्टार्ट की है, तो इसकी पूरी की पूरी लुक ही चेंज कर दी है। इनकी जो लुक है वो इन्होंने दी है, जो है हमारे पास जापानी आल्टो है सेम वैसी ही लुक इन्होंने दी है। तो जो हमारे पास मैनुअल में है इसमें ये इन्होंने व्हील कप नहीं दिए, जबकि जो है ऑटो इसमें ये व्हील कप साथ दिए हैं। तो अब मैं आपको अंदर से इसकी लुक दिखाऊँ, तो ये है जी ऑटोमेटिक अंदर से, जिसके अंदर इन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया है। बाकी इसके अलावा जो है आपको मैं इसका अंदर से दिखाऊं मीटर, तो ये मीटर इन्होंने स्पीडो मीटर जो है वैसे दिया है, डिजिटल मीटर इन्होंने हमारे पास जो दिया है वो इसी गियर को चेंज करने के लिए दिया है, जिसमें हमें ये बताएंगे कि आपकी किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है, फ्यूल की एवरेज कितनी है, आप इस टाइम कौन से गियर में चल रहे हैं, न्यूट्रल में है, रिवर्स में, किस में। तो ये चीज़ें इन्होंने डिजिटल में दी हुई है। तो इसके अलावा जो है बाकी इसकी जो है कैपेसिटी, सीट कैपेसिटी बैक से देखी जाए तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छी है, अच्छी खासी है। और बैक जो इन्होंने दिया है विंडोज़, वो पावर विंडो में दिया है, ये देख रहे हैं आप, ये। अब मैं आपको इस ऑटोमेटिक वाले की बूट स्पेस दिखाऊं, तो ये है इसकी बूट स्पेस। इस बूट स्पेस में हमें इन्होंने जो स्पेयर अपने साथ दिया हुआ है वो ये कुछ सामान है। इसके अलावा इन्होंने इसमें हमें सिर्फ पंचर किट साथ दे रहे हैं, और स्पेयर जो है स्पेयर टायर इसमें साथ नहीं है। इसी के साथ अब मैं अगर आपको दिखाऊं मैनुअल, ये आगे ये मैनुअल VXR की भी अगर मैं आपको बेस है वो भी सेम ही है। इसमें भी सेम हमारे पास इन्होंने जो है पंचर किट दी हुई है, और स्पेयर टायर इन्होंने इसमें नहीं दिया। अब इसकी आप बैक से लुक देखें VXR की। अब मैं आपको मैनुअल में है ये तो अंदर से दिखाऊं इसका, तो ये इसका ट्रांसमिशन गियर, ये इसका गियर मैनुअल में आ गया। इसके अलावा जो है इसमें इन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया, और डेप्थ रिव्यू इस टाइम मैं आपको नहीं करके दे सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डेप्थ रिव्यू इसका हमारे इंशाल्लाह शोरूम पे जब गाड़ी आएगी तो तब करेंगे। लेकिन इन्होंने जो हमें विंडोज़ के लिए दिए हैं वो मैनुअल में ओल्ड स्कूल की तरह दिया हुआ है, इसको आपने इसी तरह ही कर रहा है। ऑटो में उन्होंने पावर में दिया हुआ है। तो इधर आप स्पीडोमीटर की बात करें तो ये भी इन्होंने हमें स्पीडोमीटर तो इन्होंने सेम वैसे ही दिया है। तो इसमें आपको ये बताएंगे कि आपका फ्यूल एवरेज कितनी है और गियर, लेकिन इसमें अब आई डोंट नो अभी कि हमें ये गियर में बताते हैं कि नहीं, जब आप गियर चेंज करेंगे तो इसमें वो आपको ऑप्शन देते हैं या नहीं देते, तो ये भी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तो ये था जी मैनुअल सुजुकी आल्टो VXR। मैं आपको इसका इंजन दिखा दूँ VXR जो मैनुअल में है इसका। ये मैनेजर है सुजुकी पुशाब जो मोटर्स हमारे पास खड़ी हुई है उसके। तो ये इस टाइम जो है हम खड़े हुए हैं जी ऑटो जो है सुजुकी ऑटो, जो कि फुल ऑटो मैंने दी हुई है, और एक हमारे पास फोन लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया। तो प्राइस ये बताएंगे दोनों की, कि दोनों की प्राइस क्या है, और इसमें जो फीचर आपको बताना चाहिए मैंने आपको नहीं बताया कि जो ऑटो है इसमें इन्होंने हमें जो है दो SRS बैग दिए हैं, एक पैसेंजर साइड पर और एक ड्राइवर साइड पर, दोनों साइड पर, जबकि मैनुअल में हमें इन्होंने पैसेंजर बैग नहीं दिया। तो प्राइस आप बता दें,
प्राइस है इसकी आल्टो VXL 12,95,000 और आल्टो VXR की 11,01,000 11,01,000 ये जो प्राइसेस हैं ये विदाउट टैक्स हैं, नॉन फाइलर का अलग टैक्स है, फाइलर का अलग टैक्स है। इसके अलावा जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है किसी की तो वो भी आपके टैक्स अलग होंगे, नॉन फाइलर का अलग, फाइलर का अलग, इसके बाद जो जो आपके टैक्स हैं दोनों में डिफरेंस है प्राइस के। ओके गाइस, तो ये थे हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा आज का ये और भी अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो आप कैसी लगी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सो कीप स्माइलिंग, कीप लविंग एंड मिस मी, आई एम गोना मिस यू मच मच मोर, लव यू, टेक केयर एंड अल्लाह।